हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज एक वीडियो इस टॉपिक पे जरूर बनाओ। ओके, तो देखो करना क्या है, अब सिर्फ 30 डेज रह गए। आपको पता है आज 5 तारीख हो गई है और 5 फेब को आपका पेपर है। अप्रोक्सीमेटली 30-31 डेज है आपके पास। आज का दिन तो गया ही, तो समझ लो 30 डेज के अराउंड आपके पास रह गए हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश करो। जितने ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट दोगे उतना आपका फायदा है। ठीक है, तो करना क्या है, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें सीधा फुल लेंथ टेस्ट पे चले जाओ। अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मत दो, मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है इन सब चीजों में। कुछ नहीं रखा इनमें, आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। टाइम कैसे मैनेज करना है वो क्लियर होगा, क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं वो क्लियर होंगे, बहुत कुछ समझ में आएगा उससे। तो मेरी काइंड सजेशन है डेली बेसिस पे फुल लेंथ टेस्ट दो, और जिस टाइम पे आपका गेट एग्जाम है उसी टाइम पे दो। 9:30 to 12:30 आई सपोज आपका पेपर है, तो 9:30 to 12:30 मॉर्निंग में डेली बेसिस पे उठ के पेपर एक कम से कम दे दो। ठीक है, और उस पेपर को 12:30 तक जैसे आप पेपर देंगे, अच्छा एक बात और भी ध्यान रखनी है आपको, बीच में उठना नहीं है। ठीक है, जैसे गेट एग्जाम प्रॉपर देना आपको वैसे ही करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमसे ना 1 घंटे से ऊपर बैठा नहीं जाता, हम थक जाते हैं, फिर हम उसको पॉज कर देते हैं, फिर दोबारा से चलाते हैं और फिर पेपर करते हैं एंड सो ऑन। भाई ये पॉज वॉज ये सब जो चलता है टेस्ट सीरीज में चल जाता है, आपके फाइनल गेट एग्जाम में नहीं चलना। तो प्लीज अगर आपकी टेस्ट सीरीज में पॉज की फैसिलिटी है तो प्लीज आप उसको यूज मत करो, उसको मिस यूज रादर मत करो, है ना। यूज तो क्या, उसको मिस यूज बिल्कुल मत करो। और 9:30 to 12:30 पूरा पेपर दो, और कोशिश करो पूरा 3 घंटे बैठो। ठीक है, क्वेश्चंस मेरे को पता है गेट एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो कि सॉल्व बहुत मुश्किल से होते हैं, तो उन पे आपको टाइम लगाना है। मल्टीपल पासेस में पेपर को करना है। ठीक है, फर्स्ट पास में फटाफट से 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका फर्स्ट पास ओवर हो जाना चाहिए। उसमें जो जो क्वेश्चन फटाफट से समझ में आ रहे हैं उन पर उन सब पे टिक लगाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। जहां पे थोड़ा सा भी अटक रहे उनको छोड़ते जाओ, मार्क करते चले जाओ। उसके बाद जो मार्क कर रखे हैं एक बार उनको देखो, है ना। तो मल्टीपल स्कैन्स, मेन बात क्या है, आपको 3 से 4 स्कैन करने ही करने हैं पेपर के। मल्टीपल स्कैन्स में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि शुरू शुरू में इतना ज्यादा टाइम लगा देंगे, आखिरी के क्वेश्चन वो देख भी नहीं पाते, टाइम ओवर हो जाता है, है ना। मतलब एक क्वेश्चन पे अड़ना नहीं है। जो ईगो वाली प्रॉब्लम होती है ना काफी स्टूडेंट्स को, कि हाँ भाई ईगो पे ले लेते हैं कि ना जी ना मैं तो इस क्वेश्चन को करके रहूंगा चाहे कुछ का कुछ हो जाए, पता ही नहीं लगता जी। टाइम का गेट एग्जाम में जब बैठोगे तो पता लगेगा, आधा घंटा निकल जाएगा एक ही क्वेश्चन पे मजाक मजाक में, बहुत दिक्कत हो जाती है। प्लीज ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बताते हैं, तो ऐसे ये गलती नहीं करनी भी। नो डाउट इंटरेस्ट बहुत आ रहा होगा आपको क्वेश्चन को करने में, आपको लग रहा होगा कि आपका देखा हुआ है मेरे से सॉल्व हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे ख्याल आते हैं मन में कि 2 मिनट और दे देता हूँ शायद हो जाए, 2 मिनट और दे देता हूँ शायद हो जाएगा, ट्राई करो, ये सब नहीं करना ये सब। ठीक है, जितना हो सके फटाफट से पीछे छुड़ाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। मल्टीपल स्कैन्स में पेपर को करना है, और जब आपके पास लास्ट में आई सपोज आधे घंटे के आसपास बचेगा जो आपका बफर टाइम होगा, उसमें बैठ करके अपने जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करना है। तो मेन बात क्या है, अभी 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे आपको बैठ के काम करना है। ऐसे नहीं करना कि हाँ ठीक है अभी एनालिसिस तो करना ही है, बाद में छोड़ छोड़ जो हो रहा है हो रहा है, 1-1.5 घंटे में पेपर को खत्म करके अपना छोड़ दिया और उसके बाद फिर देखने शुरू कर दिया सोल्यूशन, ये सब करना वो सब नहीं करना आपको। ठीक है, मतलब सोल्यूशन देख ली या कुछ और, मतलब जैसे जो भी काम करना नहीं करना है ये सब। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, 9:30 से 12:30 पूरा फिक्स 3 घंटे बैठना, और पूरा फिक्स आपको 3 घंटे तक पेपर करना है। ठीक है, और मुझे पता है गेट एग्जाम में ये मत बोलना कि सर हमारा तो 2 घंटे में पेपर कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए। नहीं भाई नहीं। ठीक है, अगर हो भी गया आपसे तो एटलीस्ट उन सबको रिवाइज कर लो, बट 3 घंटे प्रॉपर पूरे स्पेंड करो। गेट एग्जाम में भी तो बैठोगे तो यहाँ पे भी तो बैठने की आदत डालो ना। अगर आपका क्वेश्चन पेपर जल्दी हो भी गया सारा सोल्व, तो सारा का सारा दोबारा से फटाफट से कैलकुलेशन चेक कर लो, ये सब करो, है ना। मतलब टाइम स्पेंड करो, मेन बात समझाने की क्या है, टाइम स्पेंड करो। अच्छा, इसका फायदा मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होगा। जब आपने पूरा 3 घंटे लगाए हैं ना भाई, आई सपोज एक क्वेश्चन को आपने 2 से 3 बार तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ के 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करना होता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। भी आपको पता होगा, ऐसे नहीं कि एक बार फटाफट से बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है भाई। ठीक है, एटलीस्ट दो बार तो कम से कम क्वेश्चन को देखो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं होती। 65 क्वेश्चन है और 3 घंटे का टाइम है, टाइम सफिशियंट है, बट टाइम खराब नहीं करना किसी भी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो टाइम सफिशियंट है आपके पास, 3 घंटे हैं, तो कम से कम 2 बारी पेपर को मतलब क्वेश्चन को देखना है और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, और 3 घंटे आप प्रॉपर ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हो, मैं आपको बता चुका हूँ ये बात। अच्छा, फिर अब क्या होगा, जब 12:30 बजेंगे ना, उसके बाद जब आप प्रॉपर अपना पेपर सबमिट कर दोगे,
आराम से बैठो, है ना, रादर थोड़ा सा रिलैक्स करो, जो करने कर लो, आधे घंटे का, एक घंटे का, जितना आपको ब्रेक चाहिए आप ब्रेक ले लो, उसके बाद भी करना एनालाइज। यहाँ पे मेन पॉइंट शुरू होगा, ठीक है। तो अब आपको बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। एनालाइज करते टाइम आपने पूरा पेपर देखना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखना है। आपने जैसा सॉल्व किया था बहुत अच्छी बात है, एक बार जो वहां पे सोल्यूशन हो रखे ना टेस्ट सीरीज में वो भी देखना है, क्योंकि वो सोल्यूशन जो होगी ना वो आई थिंक दी बेस्ट सोल्यूशन होगी। नो डाउट शायद आपकी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वो दी बेस्ट सोल्यूशन होगी, क्योंकि जिसने भी पेपर सेट किया होगा आई सपोज वही सोल्यूशन बना के देगा, तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन बना रहा है अगर वही सोल्यूशन दे रहा है तो दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड, और सबसे सिंपलेस्ट भी शायद वो हो सकता है, शायद आपका भी सिंपल हो, बट कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है। तो प्लीज एटलीस्ट उसको जरूर देखना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ भाई, योर बैग शुड बी फुल ऑफ योर फुल ऑफ टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, ताकि जब आप गेट एग्जाम में जाओ तो पता नहीं कौन सा टूल या कौन सी टेक्निक आपकी यूज हो सकती है क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो बेस्ट वे आउट क्या है भाई, प्रॉपरली आपको एक एक क्वेश्चन की सोल्यूशन देखनी है और समझनी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है आपने तुक्का लगाया क्वेश्चन ठीक हो गया, शायद लॉजिक गलत था बट फिर भी ठीक हो गया, ठीक है, तो फिर वो शायद बाय चांस ठीक हुआ ना, तो एक बार आप प्रॉपर देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ जी इसका क्या रीजन है, ठीक है। आप जैसे सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि इंसर्शन शॉर्ट लेस नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है ना, और रादर टाइम उसका ऑर्डर एन स्क्वायर है, लेकिन मर्ज शॉर्ट का टाइम है ऑर्डर एन लॉग एन, फिर भी हम लोग मर्ज शॉर्ट यूज नहीं करते, स्मॉल नंबर ऑफ इनपुट के लिए इंसर्शन शॉर्ट यूज करी जाती है, ठीक है। अब आपको ये चीज रटी हुई थी, आपने टिक लगा दिया, है ना, कि हाँ जिस स्मॉल नंबर ऑफ इनपुट के लिए इंसर्शन शॉर्ट यूज करते हैं, लेकिन हो सकता है जिस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है उन्होंने शायद इसका रीजन भी प्रॉपर दे रखा हो, तो रीजन भी पढ़ दो, ठीक है, उससे माइंड में चीजें फिट हो जाएंगी, है ना। अच्छा, और भी बहुत कुछ होता है जो मतलब छोटे छोटे से कैलकुलेशन मिस्टेक्स, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने कोई लेंथी मेथड से करा, कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करी एंड सो ऑन, लेकिन सॉल्यूशन क्या पता सीधा फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल रखा हो, शायद वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो और सीधा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा करके सीधा आंसर आ रहा हो, है ना, लेकिन आपको ये चीज क्लिक नहीं करी, आपने पूरा इतना बड़ा कैलकुलेशन करके आंसर निकाला, आंसर तो ठीक आ गया लेकिन उनका भी तो मेथड देख लो ना। आ रहा थोड़ा समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, शायद आपने लेंथी मेथड ना लगाया हो, है ना, तो इसलिए एक बार उनका भी सोल्यूशन जरूर देखना है आपको, ठीक है। ये तो हो गया जी फर्स्ट पॉइंट, आपको प्रॉपर सोल्यूशन देखना है। अच्छा, उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं ना, उनको आपको एक रजिस्टर बना लो, उनमें लिख लो, ठीक है। नो डाउट आपको लग रहा है कि सर ये तो बड़ा टाइम बर्बाद है, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें बुक मार्क करने का ऑप्शन है, हम बुक मार्क कर लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है, आप बुक मार्क कर लोगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ 31 दिसंबर तक आप जितने टेस्ट देने सारे दे लो, और उसके बाद एक दो तीन चार, चार दिन रादर, चार को भी छोड़ दो, एक दो तीन, सिर्फ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तक आपको वो सारे क्वेश्चन एक बार अपनी आंखों के आगे से निकालना है, हल्की फुल्की रिविजन एक बार आंखों के आगे से अगर निकली होंगे ना सारा कुछ, तो गेट एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भी जहां भी आपसे गलती हो रही थी, जहां पे भी सिली मिस्टेक हो रही थी, वो सब कुछ आपके पास होगा, ठीक है। तो एक जगह अगर एक नोटबुक में लिखा हुआ होगा तो उसका बहुत फायदा है, टाइम जरूर नो डाउट लगेगा। आपको क्या लग रहा है, देखो 65 क्वेश्चन है ना भाई, 65 क्वेश्चन में से आप 30, 35, 40 कुछ तो ठीक ही होंगे, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए होंगे ना, तो वो लिख लोगे तो कुछ ज्यादा खास बहुत बड़ा आंधी तूफान नहीं आ रहा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर आप सारा एनालिसिस कर पाओगे, सब लिख के सब कुछ नोट भी कर लोगे, इतना आई थिंक मैं कॉन्फिडेंट हूँ आप लोग इतना तो कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि आपने 3 घंटे पूरा प्रॉपर टाइम स्पेंड किया क्वेश्चंस को करने में एंड सो ऑन, जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा ना, एक झटके में सोल्यूशन को देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर बाय चांस वर्स्ट केस में नहीं भी समझ में आ रहा, आपका टॉपिक छूटा हुआ था, तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स में जाना है और उस टॉपिक को रिवाइज कर लेना है, ठीक है, और वो भी तब करना है जब आपका मन कर रहा हो, जबरदस्ती वाली बात नहीं है, मतलब इन द सेंस अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये नहीं कि जबरदस्ती नोट्स उठा के बैठ गए और सारा पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, ये काम नहीं करना। क्वेश्चन गलत हुआ है, आपने सोल्यूशन देख ली, सेटिस्फाइड हो, ठीक है, अगर सेटिस्फेक्शन आपके मन को नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि नहीं आई नीड रिविजन बैडली फॉर दिस टॉपिक, तो नोट्स उठाओ, रिवाइज करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर आप उस टॉपिक को रिवाइज कर दोगे, क्योंकि आपका मन कर रहा है, आपके अंदर भूख है उस टॉपिक को समझने की। लेकिन अगर नहीं है ना मन समझने का, जबरदस्ती उठा के बैठ गए, तो 1 घंटा बैठ रहोगे फिर भी दिमाग में चलेगा और फिर भी कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं, ठीक है। तो बेस्ट वे क्या है, क्वेश्चन पहले टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद आपने उसको एनालाइज करना है और लिख लेने हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये सब जो लिख रहे हो ना, ये सब क्या कर रहे हो भाई, ये गेट के लिए लिख रहे, आप गेट से 2-3 दिन पहले के लिए लिख रहे हो, ताकि उन 2-3 दिनों के अंदर जो भी मैंने गलतियां करी थी वो सारी
नो मैं सारी रिवाइज कर सकूं, ये है मेन चीज, ठीक है। और जो भी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं भाई लिख दो, आई हैव डन सिली मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉपर सेंटेंस में लिखो ताकि दिमाग में छप जाएगा कि हाँ मेरे से ये सिली मिस्टेक हुई थी, तो बार बार वो गलतियां नहीं होंगी फिर, नहीं तो गलतियां होंगी होंगी, ठीक है। आई हैव डन कैलकुलेशन मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, 5/2 is 2.5 बट आई हैव टेकन 2 जस्ट बिकॉज मेरे दिमाग में सी लैंग्वेज चल रही थी, या एंड सॉन, कुछ भी जो भी आपके मन में, जो भी आप सिली मिस्टेक्स करते हो लिख डालो सारे के सारे, ठीक है। 2 power 10 मैंने 1000 ले लिया, 1024 आता है बट मैंने 1000 ले लिया, ये मेरे से गलती हुई थी, एंड सॉन, ऐसे ऐसे जो भी लग रहा है ना सब कुछ लिख डालो, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अराउंड 8 to 10 पेजेस आप एक पेपर के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं अपने रजिस्टर में, वो सब अच्छे से नोट डाउन करके सब रखोगे ना, बिलीव मी मैं आपको बता रहा हूँ, आखिरी टाइम पे ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, बहुत ज्यादा। आखिरी के 3 दिन में ना, आखिरी के जो 3 दिन हो गए ना, 1st, 2nd और 3rd February, वो आपका गेम चेंजर हो जाएगा, लेवल यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये काम आपको जरूर करना है भाई, ठीक है, सब कुछ लिख देना है, जो जो दिक्कत, जो जो परेशानी, जो भी कुछ आपको लग रहा है। मेरे को पता है बार बार मेरे को स्टूडेंट्स अब मेरे को पता है कमेंट करके बताएंगे कि सर बुक मार्क का ऑप्शन है, मेरे को पता है भाई टेस्ट सीरीज में बुक मार्क का ऑप्शन होता है, लेकिन उस बुक मार्क का कोई खास फायदा नहीं है भाई, आपने तो एक बटन दबाया बुक मार्क हो गया, लेकिन वो दिमाग में तो नहीं गया, वेबसाइट में रह गया तो क्या हो जाएगा उससे, बात समझ रहे हो, आपके अकाउंट में नो डाउट वो आ गया है ना, आप वेबसाइट कंप्यूटर में स्टोर हुआ है ना भाई, आपके ब्रेन में तो नहीं स्टोर हुआ, तो उसको स्टोर करने का बेस्ट वे आउट क्या है, लिख दो और फटाफट से देखना पन्ने ऐसे से पलटते चले जाओगे आप आखिरी के 3 दिन में, ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ये मत बोलना, आपको काफी स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आएगा कि सर इतने सारे पेजेस हमारे भर जाएंगे फिर इतना तो हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, अरे भाई कर पाओगे, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था 3 घंटे पूरे बिताने हैं 9:30 से 12:30 पेपर में, बार बार क्वेश्चन को देखना है, रीचेक करना है अगर टाइम बच रहा है तो, ताकि क्वेश्चन सारे दिमाग में फिट हो चुके हों आपके, और जैसे आप देखने बैठोगे मतलब सॉल्यूशंस देखोगे जहां जहां गलती हुई फटाफट से आपको पकड़ में आएगा और फटाफट से आप उनको लिख भी डालोगे, तो सब कुछ आपके माइंड में रहेगा, बिलीव में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिस इज आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। अच्छा, और जो रिपीटर्स हैं वो मुझे पता है आप लोगों के माइंड में आई थिंक नोट्स सारे छपे होंगे, सब कुछ आपको याद होगा, नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, तो ये आपके लिए एडवांटेज है, आप बस टेस्ट दो एनालाइज करो, टेस्ट दो एनालाइज करो, कोशिश करो दिन में 2 टेस्ट भी दे दो, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं गेट एग्जाम उनके शायद माइंड में सारे नोट्स या जो भी उन्होंने कोचिंग ली है या जहां से भी जो भी कुछ पढ़ा है शायद सब कुछ उनके माइंड में नहीं होगा, तो उनके लिए क्या है भाई, दिन में 1 टेस्ट तो एटलीस्ट दे दो फुल लेंथ, और उसके बाद शाम के टाइम पे आप रिविजन कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपका रिवाइज करने का मन कर रहा है, जो भी लग रहा है जहां पे मैं भूल रहा हूं वो आप रिवाइज कर सकते हो। बेस्ट वे इस टाइम पे रिवर्स इंजीनियरिंग का है भाई, है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब इन द सेंस कि क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया उसमें देखा ये मिस्टेक है, उसको आप एनालाइज कर लो, ऐसे ऐसे चलते रहो, क्वेश्चंस करते जाओ, मिस्टेक्स को धीरे धीरे इंप्रूव करते चले जाओ, बस दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को रिवीजन करनी है, मेरे को नोट्स पढ़ने हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो आप करो, आपकी मर्जी है, जबरदस्ती मत करना, मैं बार बार ये स्ट्रेस दे के बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं करना, जबरदस्ती मन नहीं करा रिवीजन करने का फिर भी आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो फिर वही बात, अभी उठा के बैठ रहे हो नोट्स कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, आपके दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं क्योंकि आपका मन नहीं है, ठीक है। तो पहले भूख तो पैदा करो ना, वो भूख कैसे पैदा होगी, क्वेश्चंस करके, क्वेश्चन करोगे सॉल्व नहीं होंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा नहीं हो रहा भाई मिस्टेक है, अभी मेरे को नहीं आती चीजें, तो फिर मैं आप नोट्स उठा के खोल के देख लेता हूँ, दी बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये सब चीजें कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। तो जस्ट टू समराइज, पॉइंट नंबर 1, 9:30 to 12:30 आपको अपना यू कैन से टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है, जैसे गेट का एग्जाम है 9:30 to 12:30 ऐसे आपको देना है, 3 घंटे पूरा बैठना है, बेशक से क्वेश्चंस को बार बार रिकैलकुलेट कर लो, है ना, या अगर जो भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर उसको सॉल्व कर लो, एंड ऑन पूरा टाइम बिताना है, उसके बाद 1 घंटे का आधे घंटे का रेस्ट लेना है, रेस्ट लेने के बाद आपको सारा का सारा टेस्ट एनालाइज करना है, एक एक क्वेश्चन की सोल्यूशन देखनी है, अगर सोल्यूशन में कोई ब्यूटीफुल पॉइंट नजर आ रहा है तो वो भी लिख डालो, ठीक है, सब कुछ लिख डालो, जो भी कुछ लग रहा है ना सब लिख डालो, जितना लिखोगे जितना पेन घिसाओगे ना उतनी दिमाग में चीजें फिट होते चले जाएंगे। और ये सब तैयारी किस चीज की हो रही है, गेट एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही है, गेट एग्जाम से 3-4 दिन पहले की तैयारी हो रही है। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ, 1st February से लेकर 3rd February तक 3 दिन है, ये 3 दिन में आपको जितने भी सारा कुछ आपने लिखा होगा वो सब रिवाइज करना है, और बहुत जल्दी और बहुत इजिली रिवाइज होगा क्योंकि 3 घंटे आपने प्रॉपर बैठ के टेस्ट लिखा है और उसके बाद उसको एनालाइज भी किया है, तो माइंड में चीजें फिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज ए नोवल फटाफट से पन्ने पलटते जाओगे देखते जाओगे, हल्का फुल्का रखना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, रिपीटर्स के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब नोट्स वोट्स सब आते हैं उनको, तो दिन में 2 टेस्ट दे लेंगे, और जो फ्रेशर्स हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं जिनको चीजें नहीं आती हैं चीजें भूल रहे हैं, 1 टेस्ट दे लो,
उसके बाद उसको ढंग से एनालाइज कर लो और उसके बाद रिविजन कर लो। रिविजन बार बार बता रहा हूं, जबरदस्ती नहीं करनी, धीरे धीरे करना है। मतलब इन द सेंस पहले भूख पैदा करो उसके बाद रिविजन करो। ऐसे नहीं कि उठा के बैठ गए सीधा डीबीएमएस उठा के बैठ गए और अपना पन्ने पलट रहे हो, कर रहे हो, ये भी आता है, अच्छा चलो ये भी आता है, अच्छा चलो ये भी आता है, एंड सो ऑन। ऐसे नहीं होती भाई, दिमाग में चीजें फिट नहीं होती। क्वेश्चन सोल्व करो, जान लगाओ। 3 घंटे आपने टाइम स्पेंड किया ना क्वेश्चन पे, मतलब 3 घंटे आपने पेपर किया है, क्वेश्चंस पे टाइम काफी स्पेंड किया है, दिमाग में अब आपकी भूख पैदा होगी कि अच्छा ये टॉपिक तो मेरा ढीला ढाला है भाई, ये तो मेरे को करना पड़ेगा। सिर पे डंडा आएगा तो अब उसके बाद आप रिवाइज करोगे तो मजा भी आएगा और फटाफट से आप रिवाइज भी कर जाओगे, नहीं तो भाई टेंशन में रहोगे, काम ही नहीं होगा, स्पीड ही नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने आपको बहुत अच्छे से आई सपोज मैंने गाइड करने की कोशिश की है। जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, टाइम होगा तो मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।